हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनहाल। क्लास टेंथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट वातावरणीय स्वास्थ्य। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ रहने के नियम या स्वास्थ्य के नियम, जो बेसिक बेसिक से जो नियम हैं, साधारण से जो नियम हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी स्वस्थ रहने के तो सैकड़ों हजारों नियम होते हैं, तो मुख्य मुख्य जो मेन मेन पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे स्वस्थ रहने के नियम। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा या उसको टाइम टेबल को सही करना होगा, क्योंकि बिना टाइम टेबल के हमारी पूरे दिन की जो एक प्रकार से कार्यविधि या दिनचर्या कहते हैं वो सही नहीं रहेगी। तो अपने आप को एक टाइम टेबल के अनुसार चलाना होगा, नियमित रूप से हर कार्य करने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि नंबर एक, नियमित जो दिनचर्या, नियमित दिनचर्या से हमारा अभिप्राय है कि हम जो भी कार्य करें वो समय पर करें, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हो या हमें कोई बाह्य कार्य करना हो। सुबह उठना है वो टाइम पर करें, कब खाना खाना है, कब व्यायाम करना है, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। पढ़ने का भी टाइम टेबल होता है, कब और गृह कार्य करने हैं, तो हर कार्य को हम अगर टाइम टेबल में बांध देंगे तो हमारे जो शरीर का सिस्टम है वो सही तरीके से चलेगा और कार्य करने में भी आसानी रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सही करना होगा, दिनचर्या के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर दो पर। नंबर दो पर हम लिखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शरीर की स्वच्छता, या हम कह सकते हैं शरीर की शुद्धि, तो शरीर की स्वस्थता आने वाले रोगों से हमारा बचाव कर सकती है। अगर हम शरीर को, अपने शरीर को सही नहीं रख पा रहे हैं तो कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर पर लग सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम कोई भी व्हीकल या कोई नई गाड़ी लेके आते हैं तो उसको भी हम साफ रखते हैं, कपड़ा ढककर रखते हैं, कहीं खड़ी करते हैं, छांव में खड़ी करते हैं, धूप में नहीं करते। तो एक कहने का अर्थ यह है कि शरीर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस गाड़ी से तो हजारों लाखों गुना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई निर्जीव वस्तुओं को भी स्वच्छ या उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो अपने शरीर का क्यों नहीं रख सकते। शरीर हमारे लिए सब कुछ मायने रखता है, शरीर ही हमारा जीवन है। अगर शरीर को हम सही नहीं रखेंगे तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है और इस जीवन को भी हानि हो सकती है। तो शरीर की स्वस्थता में हमें रोज शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें, स्नान के साथ साथ जो भी शरीर के अंग हैं, आँख कान नाक, उनको अच्छी तरह से रोज साफ करें, अच्छे से कपड़े से उनको साफ करें। गंदे कपड़े से साफ करेंगे तो उस स्नान का, उस नहाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अपने शरीर की स्वच्छता अपने हाथ में होती है, तो अपने शरीर को सही रखें, स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पर। स्वच्छता के बाद हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, यह भी एक मायने रखता है। अगर हम नहा धो के अच्छे से शरीर के अंगों की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर से गंदे कपड़े या पसीने से तर बतर जो कपड़े पहले पहने हुए थे या रेत मिट्टी से जो कपड़े लगे हुए थे वो दोबारा पहन लेते हैं, तो हमारे उस स्वच्छता अभियान का कोई फायदा नहीं है। तो वस्त्र हमें सही पहनने हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तो किसी कार्य के दौरान हम उस कार्य से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं, मगर नॉर्मल टाइम में हम अच्छे वस्त्र पहन सकें ताकि जो भी जीवाणु रोगाणु हैं वो हम पर हमला ना कर सकें। एक और बात, वातावरण को देखकर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अभी गर्मियों का मौसम है तो उस समय कैसे कपड़े पहने, सर्दियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े नहीं पहन सकते और सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े नहीं पहने जा सकते, क्योंकि ये बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो मौसम अनुसार भी कपड़े पहनना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भोजन पर आ जाते हैं। शरीर को ईंधन की जरूरत होती है, जो हम खाते हैं उसी से हमारा जीवन प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है। तो आहार जो भोजन है वो हमें कैसा लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूं, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय है वो आहार, वो भोजन जिसमें सभी प्रकार से संतुलन हो। संतुलन का अर्थ है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो भोजन में वो सभी आहार शामिल करें जो हमें जरूरत होती है। तो संतुलित का अर्थ यही है कि भोजन
पूरी तरह से एक पोषक तत्वों से भरा हुआ हो, तभी हमें फायदा है। अगर हम एक ही आहार रोज ले रहे हैं तो उसका शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो खाने में तरह तरह के व्यंजनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग रंग की सब्जियां खाएं, तो उससे एक संतुलन बना रहता है हमारे भोजन में। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, योग व्यायाम। क्योंकि शरीर को अगर हम निष्ठुर या एक तरह से शिथिल कर देंगे तो उसकी जो कार्यविधि है वो भी शिथिल हो जाएगी, उसमें भी उस जो जीवन प्रणाली है शरीर की उसमें भी दिक्कत आने लगेगी। तो समय समय पर हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। नौजवानों को तो हर रोज व्यायाम करना चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको योग आदि का सहारा लेकर अपने शरीर को फिट रखने में सहायता करनी चाहिए। तो योग व व्यायाम के माध्यम से भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो काफी बच्चे आजकल इस व्यायाम की ओर, काफी लोगों का, या हम कह सकते हैं काफी जवान जो जिनकी उम्र कम है, वो अच्छे से इस ओर कार्य कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो योग के माध्यम से अपने को सही और अपने को तंदुरुस्त रखने में मदद कर रहे हैं। तो यह बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, दिन भर की जो कार्यविधि होती है कई बार उसमें थकान हो जाती है, तो समय समय पर इस जो मशीन है, जो हमारा शरीर है, इसको आराम व विश्राम व नींद की जरूरत होती है। तो 6 छठे नंबर पर हम यही लिखेंगे, आराम व नींद। क्योंकि दिन भर की जो कार्यविधि होती है उसमें शरीर थकान अनुभव करने लगता है, जो मांसपेशी सिस्टम है वो निष्ठुर या निष्ठुर तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा आराम की स्थिति में जाना चाहता है। क्योंकि कोई भी मांसपेशी है वो लगातार कार्य करती है, तो कुछ समय बाद वो थक जाती है, उसको भी आराम की जरूरत होती है। तो आराम व नींद हमें उचित मात्रा में लेनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे नींद बोली जाती है, तो वो हमें जरूर लेनी चाहिए। तो और दिन भर में भी जो भी एक्टिविटी होती है उसके बीच बीच में आराम करते रहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मांसपेशियां जो भी कार्य करती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा आराम बीच में दे दिया जाए तो वह नेक्स्ट जो कार्य होता है उसको अच्छे से कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 7, यहां पर मैं लिख रहा हूं अच्छी आदतें। क्योंकि शरीर को अगर निरंतर आगे बढ़ाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें अच्छी आदतें अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल करनी होगी। अच्छी आदतें व अच्छे अच्छे नियम हमें अपनाने पड़ेंगे, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यह कोई एक दिन का काम कार्य नहीं है, यह निरंतर कार्य है। ऐसा नहीं है एक दिन हम अच्छी आदतें या नियम अपना रहे हैं, दूसरे दिन हम उनको छोड़ देते हैं, तो ये शरीर पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो अच्छी आदतें हमारे को अच्छा बनाती हैं, अपने जो आसपास का माहौल है उसको भी अच्छा बनाने में मदद करती हैं अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें बहुत जरूरी हैं। आदतों में हम काफ़ी सारी बातें जोड़ सकते हैं, अपने खाने पीने से संबंधित, अपने समाज में रहने से संबंधित, तो अपने परिवार में, या जो भी हम दिन भर की एक्टिविटी करते हैं उनमें अच्छी अच्छी आदतें जोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 8, और यह लास्ट है, इसमें मैं लिख रहा हूं मानसिक सोच। मनुष्य का शरीर हड्डियों का ढांचा, या हम कह सकते हैं खून और मांसपेशियां, या काफी सारे और ऑर्गन शामिल हैं, मगर उन सभी ऑर्गन्स को, उस इस पूरे शरीर को चलाने वाली जो सिस्टम होता है, मस्तिष्क हम कहते हैं, और मस्तिष्क से पूरा शरीर कंट्रोल होता है। तो उस मस्तिष्क में बनने वाली जो मानसिक सोच हम कहते हैं, वो भी पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। अगर हमारी सोच सही नहीं होगी तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर सोच सही है तो इस शरीर में भी एक खुशी, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो जो हमारी मानसिक सोच है इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से या अच्छी दिशा में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मानसिक सोच, जो मानसिक विचार दिमाग में आते हैं, वो काफ़ी हद तक शरीर को प्रभावित करते हैं। तो अपनी सोच को सही रखना हमारे हाथ में होता है, हमें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मानसिक सोच अगर हमारी नियंत्रण में है तो हमारे जो पूरे शरीर का ढांचा है वो भी नियंत्रण में रहेगा, वो भी सही तरीके से कार्य करेगा। तो ये कुछ बातें लिखी हमने स्वस्थ रहने से संबंधित। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि बीमारियों का ध्यान रखें, नियमित चेकअप करवाएं डॉक्टर से, या हम कहाँ रह रहे हैं उसके आसपास साफ सफाई रखें, अच्छे मकान में रहें, खुले हवादार कमरे में रहें। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं वो हम लिख सकते हैं। तो मेन मेन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने यहाँ पर चर्चा की। तो
तो आप भी इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से इनको याद करें, तो आपको आसानी से, ये ज़्यादा इतना गंभीर प्रश्न भी नहीं है, नॉर्मली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।